रिविजन टॉपिक लाइट। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। लाइट की रे हमेशा एक सीधे रास्ते पर ही चलती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी प्लेन सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब कोई लाइट रे किसी प्लेन सर्फेस को हिट करती है तो वो हमेशा उसी मीडियम में वापस आती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अब इसको समझने के लिए दो लॉज हैं विच आर कॉल्ड एज टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैम लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिगर। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक प्लेन सर्फेस लिया हुआ है जो हमारा मिरर है। अब मिरर के सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज मिरर को हिट करेंगे, तभी तो हमें मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पे हिट करती हैं उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। फॉर एग्जाम्पल ये वाली रे, द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मिरर। अब जब वो रे ऑफ लाइट मिरर को हिट करेगी वो बाउंस बैक करेगी। बाउंस बैक होने के बाद जो रे बनेगा उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। द रे ऑफ लाइट बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ दोनों के बीच में सेंटर में हम देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइन है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल इज़ एन इमेजिनरी 90 डिग्री एंगल विद द मिरर। सो अगर आप एक मिरर लो और उसके ऊपर एक इमेजिनरी 90 डिग्री एंगल इमेजिन करो तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, मतलब ये वाला एंगल, एंगल आई, इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मीन्स दिस एंगल, एंगल आर, इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स इफ एंगल आई इज 30 देन एंगल आर विल ऑल्सो भी इक्वल टू 30। मीन्स ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। मीन्स दे आर ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन। आई होप द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर क्लियर नाउ। थैंक मी लेटर।